क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं, यदि आप इसको सोल्व करके जाते हो तो परीक्षा हाल में नंबरों की बारिश होगी। जी हां, गारंटेड है, ठीक है। 50 से 60 नंबर का इसी एक ही वीडियो से फंसेगा, तो कोई दिक्कत थोड़ी, एक ही वीडियो में 50 से 60 नंबर मिल रहे। तो चलिए तो शुरू करते हैं। सेल स्थिरांक क्या है, तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा, रेसिम, इसमें क्लोरोबेंजीन आ जाएगा, यहाँ से दा ऑप्शन लिखना है। सक्रिय द्रव्यमान पर, क्योंकि हमारे बच्चों के पास समय कम है और मेरी इच्छा है कि वो कम समय में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर ले। यहां से आपका जाएगा जी, देख लीजिएगा आप तो बढ़िया से। अब है रिक्त स्थान, क्लोरोफार्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पादन का सूत्र क्या है, COCl2 है। एक फेराड़े विद्युत का मान 96,500 कूलाम होता है। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलता कहलाती है। लोहे पर जंग लगना विद्युत रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है। कार्बिल एमिन परीक्षण प्राथमिक एमिन देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे यहाँ से, है ना भाई। सही जोड़ी है, पहला है एस्प्रिन, एस्प्रिन में आ जाएगा आपका ये स्प्रीड ऑन वाइन का जाएगा एथिल एल्कोहल। तीसरे का आपको ईथर है और एल्डेनोन का जाएगा कीटोन और क्लोरोटीन आपका जाएगा हिप्रोटिक औषधि। यहां से अपन बढ़िया से कंप्लीट करेंगे ये इतना, ठीक है भैया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको ध्यान से देखो। तृतीयक एमीन एसिटिलीकरण नहीं होता है, सक्रिय H2 नहीं होता है। बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड का सूत्र C6H5N2Cl। अरहनियस समीकरण का जाएगा यहाँ पर, देखिए एंटी फ्रीज यौगिक का उदाहरण देना है एथिलीन। लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, AgNO3। यहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अंडे को उबालने से प्रोटीन विकृत हो जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन आयरन का संकर यौगिक है। मोललता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, सत्य है। अभिक्रिया की जो कोटि है वो सैद्धांतिक पद है, असत्य है। विरंजक चूर्ण तथा एसीटोन की क्रिया से क्लोरोबेंजीन बनता है, असत्य रहेगा। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को टोलेन अभिक्रमक कहते हैं, सत्य रहेगा ये यहाँ से, ठीक है भैया। बढ़िया से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 को देखेगा। वन टहाप को निर्धारित करने वाला सूत्र लिखना है, फार्मलता की परिभाषा लिखनी है। सूत्र कैसे लिखोगे यहाँ से बताना है, ठीक है। गैल्वेनीकरण क्या है, विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा लिखिए। विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई बताइए। छदम एकानुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर पड़ने वाले प्रभाव वाले कारकों को उल्लेख कीजिए, ठीक है। लिगेंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। किलेट किसे कहते हैं, उदाहरण और महत्व बताना है आपको। ठीक है, यहां से हो गया ये 10वां है, ये इसका 8वां है। फेलिंग विलियन को अभिक्रिया को समीकरण से ही समझाइए। कीटोन एल्डिहाइड से कम सक्रियाशील होते हैं, क्यों। सीमट अभिक्रिया को समझाइए। एथिल एमीन एनिलिन से अधिक क्षारी क्यों है। मोललता और मोलरता में अंतर स्पष्ट कीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अभिक्रिया की दर का दर स्थिरांक में अंतर बताइएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक बताइए, ठीक है भैया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक। लेंथेनाइड संकुचन क्या है, लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव क्यों है। संक्रमण धातुएं अधिक आसानी से मिश्र धातुएं क्यों बना लेती है, और यहाँ से देख सकते हैं आप। इसके बाद में आगे देखते हैं, यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है आपको, है ना। यही चीजें आएगी 100% श्योर है, क्योंकि बड़ी रिसर्च के बाद में पेपर आपको बता रहा हूँ। फिनोल और एल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए, यहाँ से हो गया है ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका, देख सकते हैं। हुंडसीकरण विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी। सेंड मेयर अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइएगा। टोलेन अभिकर्मक क्या है, इसकी एसिटाल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया आपको बतानी है, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये, ठीक है।